अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल आले लाइव ब्लॉग। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर दी है ईद की शॉपिंग। तो यहाँ पर मैं आंटी के पास आई थी, उनकी कॉल आई थी कि वो बहुत सारे न्यू कलेक्शंस लेकर आई हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, और क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा मार्केट्स वगैरह नहीं जा रही हूँ, मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना शॉपिंग हम आसपास से ही कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस बार मैं रमज़ान में कहीं नहीं गई मार्केट वगैरह, वरना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। मैं सोचा चलो आसपास के ही शॉप से ले लेते हैं, और आसपास तो हमारे घर के आंटी की शॉप बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आंटी लेकर आई थी सूट्स, तो मैंने देखे ये दो नेहा को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसके दुपट्टे भी नेहा ने ट्राई किए, बट मैंने कहा नहीं ये ईद के टाइप का नहीं है, तुम दूसरा कुछ देख लो। और यहाँ पे दोनों के दुपट्टे उसने ट्राई किए, मैंने कहा ठीक है नॉर्मल डेज के लिए, बट ईद लुक के लिए नहीं है। अच्छा, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और गेंजा दुपट्टा, और काफ़ी सही लग रहा था। दिखने में टिशू वाला लग रहा था, लेकिन ये ऑर्गेन्जा था। और जो इसमें दो टाइप के लेसेस लगे हुए थे, एक इधर फ्लावर वाले और उधर सिंपल ब्लैक के, तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद और भी थे, वो सब मैं खोल रही थी, और आंटी की ये चीज़ सही लगती है कि जैसे ही वो कुछ न्यू लेकर आती हैं वो एक कॉल कर देती हैं मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा खोलूँ कौन सा नहीं खोलूँ। और फिर मैंने कहा कि चलो सब आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो येलो वाला भी अच्छा लग रहा था, उसमें नेट का दुपट्टा था, और पर्पल वाला भी अच्छा लग रहा था, बट वो ज़्यादा हैवी लग रहा था। और ये कुछ पाकिस्तानी सूट्स भी लेकर आई हुई थी, मैंने कहा देखती हूँ। सच में इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, बस मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो थे जो फ्रंट पे फ्लावर्स लगे हुए थे, अदरवाइज़ ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, और नीचे भी बहुत अच्छी लेस लगी हुई थी, बस ये ऊपर जो फ्लावर्स थे ना ये मुझे नहीं अच्छे लगे, बस इस वजह से मैंने इसको इग्नोर मार दिया। वरना इसमें भी कलर ऑप्शंस देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं, और नेहा को भी काफ़ी पसंद आया था। अगर इसका लॉन्ग सूट सिलवाते पैंट लुक में तो बहुत ही प्यारा लुक आता, लेस वर्क में था, लेकिन इस फ्लावर्स की वजह से मैंने नहीं लिया, अलग ही लुक दे रहा था, मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने इसे साइड कर दिया। अच्छा, इसी में का एक और डिज़ाइन दिखाया उन्होंने, लेकिन ये भी मुझे नहीं पसंद आया, कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। फिर आंटी ने पिंक दिखाया, मैंने कहा ये नॉर्मल है डेली यूज़ के लिए ठीक है, मुझे ना थोड़ा सा हैवी में चाहिए आंटी, जो ना ज़्यादा हैवी हो ना ज़्यादा लाइट हो, मीडियम हो, जो ताकि पहन सके ईद पर, इस तरह का चाहिए, और ये तो नॉर्मल डेज के लिए चलेगा। और यहाँ पर फिर उन्होंने बनारसी टाइप का दिखाया, और ये दुपट्टा बड़ा ही प्यारा लग रहा था, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, बट बहुत प्यारा दुपट्टा है ये, और बहुत लाइट वेट भी था, दिखने में हैवी लगता है, लेकिन जब मैंने इसे वेयर किया ना बहुत लाइट था, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये देखती परचेज के लिए, मैंने कहा मुझे हाँ यही चाहिए। और ये बनारसी इसमें टचअप था नीचे दामन पे और चेस्ट पे, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, तो ये तो मैंने ले ही लिया, इसे स्टिच करवाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये पर्पल वाला भी पसंद आया, लेकिन फिर मैंने जब इसे ओपन किया ना कुछ ज़्यादा ही हैवी निकला, और इसका जो फैब्रिक था ना वो ऑर्गेन्जा में था, तो फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने फिर छोड़ दिया। और ये रेड वाला नेहा को बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है निकलवा लेते हैं, तो उसे जूम करके दिखा रही है आपको। और उसके बाद है ना कुछ लेकर आई थी आंटी सूर्य ज्योति के सूट्स, जो कि हम ज़रूर लेते हैं, हमेशा लेते हैं, पक्का लेते हैं, तो आंटी हमेशा लेकर ही आती हैं सूर्य ज्योति के सूट्स। तो यहाँ पर सूर्य ज्योति के सूट्स ये वाले हैं, इसमें से भी मैंने दो सूट लिए हैं, एक मेहरून कलर वाला लिया और एक ब्लैक कलर वाला लिया है। उसके बाद कुछ इस तरह के कॉटन के सूट्स थे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ सूट्स शेयर कर रही हूँ, और कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, जो मैंने ईद की शॉपिंग सिंपल सी अपने घर के पास वाले ही शॉप से कर ली है। हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत नहीं की इस बार, कहीं नहीं गए मेरी वजह से, वरना ज़रूर हम लोग बाहर से शॉपिंग करते, बट मेरी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो सिंपली हमने आसपास से शॉपिंग करी। तो देख सकते हैं ये सूट्स वगैरह, तो जो जो मैं लेकर के आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आंटी के यहाँ से मैं जो लेकर के आई हूँ। तो फर्स्ट ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये नेहा ने लिया है पिंक कलर में, और इसी का सेम लिया है नाज ने पर्पल कलर में, और मैंने एक अलग सा लिया है
तो कंप्लीट आप देखना अभी। तो ये पिंक कलर का लिया है नेहा ने, जो कि बहुत ही प्यारा सूट लगा मुझे भी। पूरे में ऑल ओवर प्रिंट है और थोड़ी थोड़ी सी कढ़ाई है, जगह जगह पे स्टोन्स भी लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। दुपट्टा भी इतना सॉफ्ट है, कॉटन का है, जो कि सही है, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे वाले सूट्स हम जल्दी नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं लेती, नेहा भी नहीं लेती है, क्योंकि हम फिर वो यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो टिकते भी नहीं है, इसीलिए हम कॉटन का ही लेना पसंद करते हैं। या ज़्यादा टिशू और गंजा में ले लिया वो अलग, कभी कभार वो अलग बात है, अदरवाइज़ वरना कॉटन के ही लेना पसंद करते हैं। और दुपट्टे का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और काम कितना अच्छा है, फुल वर्क वाला काम है, तो प्यारा लग रहा था। तो इसका सेम ही नाज ने भी लिया और नेहा ने भी लिया, तो दोनों का ना सेम सेम हो गया, पर्पल एंड पिंक। तो देखो अब स्टिच हो पाता है कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो मैंने बोला था नेहा को कि यहाँ आंटी की शॉप से हम डायरेक्ट ना अंकल को दे देते हैं, हमारे जो टेलर अंकल है उनको दे देते हैं। तो उसने कहा नहीं, आप ही पहले घर चलते हैं लेकर के, फिर उसके बाद। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, फिर अब हमें ये देना होगा अंकल को, ताकि वो टाइम पर सिल कर दे सके इंशाल्लाह। ये पर्पल वाला नाज ने लिया है, और मैंने जो लिया है आप देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप ज़रूर बताइएगा नेहा नाज का अच्छा लग रहा है कि मेरा अच्छा लग रहा है। मेरा तो बिल्कुल सिमिलर पाकिस्तानी लुक दे रहा है, एकदम सेम टू सेम। मैं तो बिल्कुल ऐसे स्टिच कराऊंगी, वही अलग बात है कि अभी मैं पहन नहीं पाऊंगी। अच्छा हाँ, ग्रीन वाला जो मैंने लिया ना, वो मैंने लेकिन दे दिया था अंकल को, मैंने दे दिया तुरंत सिलने के लिए कि नहीं आप मेरा जल्दी से सिल दो। ये नहीं भी सिलेगा ना तो कोई बात नहीं, मैं वो वाला पहन लूँगी अगर मेरा स्टिच हो जाएगा ग्रीन वाला, तो क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं वही पहनने वाली हूँ। तो ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसे मैं आराम से। तो बेसिकली हमने इस साल ज़्यादा हैवी शॉपिंग नहीं की है, और रीज़न है वो हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और ऑलरेडी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है डिलीवरी ईद से पहले हो जाए या ईद बाद, क्योंकि मेरी डेट जो है अप्रैल की ही है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। सिंपली